ग्वालियर जिले में 8 सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आज मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि स्कूल 10 एकड़ जमीन पर बन रहा। आपको बता दें कि शिवराज सरकार प्रदेश के 1,02,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 9,200 सीएम राइज स्कूल खोलने जा रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित होने वाली ये स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, बैंकिंग काउंटर, डिजिटल स्टूडेंट कैफेटेरिया, जिम, थिंकिंग एरिया की सुविधा होगी। इसमें प्री नर्सरी से हायर सेकेंडरी की कक्षाएं संचालित होगी। इन स्कूलों में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चे पढ़ेंगे और उन्हें स्कूल तक लाने और घर छोड़ने के लिए सरकार बस की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ग्वालियर विधानसभा के अंतर्गत कन्या विद्यालय और ये सीएम राइज स्कूल के आज जो लगभग 40 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें उस गरीब का बेटा, उस गरीब की बेटी जो ठेला ढकेलते थे, कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली दहली पब्लिक जैसे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये सौभाग्य ग्वालियर के लोगों को मिल गया।